गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 8-9 कॉमन टॉपिक है साइंस का, वायु एवं जल प्रदूषण। कक्षा 8 के लिए 18वां चैप्टर है वायु एवं जल प्रदूषण, और कक्षा 9 के लिए चैप्टर नंबर 14। दोनों का कॉमन टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। वायु हो चाहे जल हो, कोई चीज़ का प्रदूषण कब होता है? उसमें कई प्रदूषक पदार्थ मिल जाते हैं, अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, तो उसका प्रदूषण हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण किस कारण होता है, कैसे होता है, इसमें क्या मिल जाता है, इसे कैसे सही किया जाता है, और इसके अंदर ताजमहल के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, पौधागर प्रभाव के बारे में, ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण। हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। ये बात बिल्कुल सत्य है। भोजन के बिना हम 3-4-5-7 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम कुछ क्षण मात्र ही जीवित नहीं रह सकते, कि वायु हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये साधारणतः हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और लगभग 1% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, जल वाष्प, यानी इसके अंदर अन्य गैसों के रूप में आती है। वायु गैसों का मिश्रण के लिए हम इसके संगठन का डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या है, वायु संगठन बना रहे हैं। जो 78% भाग होता है वो किसका होता है, नाइट्रोजन का। जो वायु संगठन में सबसे बड़ा भाग किसका होता है, नाइट्रोजन गैस का। कौन सी गैस होती है, ये 78% भाग है नाइट्रोजन गैस। 21% जो भाग होता है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का। कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, जो हमें सांस लेने के लिए काम आती है। और जो 1% भाग होता है वो अन्य गैसों में क्या क्या आता है। अन्य गैसों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, जल वाष्प, जल वाष्प भी इसी के अंदर आते हैं। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस, मीथेन, जल वाष्प, ये वायु का संगठन है। वायु के संगठन में सबसे ज़्यादा क्या होती है, 78% जो वायु का मिश्रण होता है उसमें नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 1% अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, जल वाष्प आते हैं।
और वायु प्रदूषण होता क्या है? जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होते हैं, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी अनचाहे पदार्थों का संदूषित, अनचाहे पदार्थ मिल जाना, अवांछित पदार्थ मिल जाना वायु में, अनचाहे संदूषित पदार्थ उसमें क्या है, मिल जाते हैं। यह अवांछनीय अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। धूल कण वगैरह मिल जाती है, जहरीली गैसें वगैरह मिल जाती है, धुआं वगैरह मिल जाता है, इससे क्या होता है, वायु का प्रदूषण होता है। जो पदार्थ वायु में संदूषित करते हैं उसे वायु प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक बोला जाता है जो वायु को गंदा करते हैं, उन पदार्थों को वायु प्रदूषक। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों को में लगने वाले ये कारण बताए जा रहे हैं। यानी इसके कारण क्या होते हैं, अब कारण की बात करते हैं। यानी वायु प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं, धूल द्वारा आ सकते हैं, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायु के प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र यानी बिजली जहाँ बनती है वहाँ भी प्रदूषण होता है, स्वचालित वाहन निर्यातक वाहनों से भी जल वायु प्रदूषण होता है, जलावन लकड़ी, जलने वाली लकड़ी, ईंधन के रूप में जिस लकड़ी का उपयोग करते हैं उससे भी प्रदूषित होती है, और उपलों से जलने से निकला हुआ धुआं भी इसी का कारण बनता है। बहुत सी समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती है, आइए यह जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु कौन कौन से पदार्थ से प्रदूषित उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है? वाहन अधिक मात्रा में क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड धुआं उत्पन्न करते हैं, पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन यानी पूर्ण रूप से जल नहीं पाते, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, एक विषैली गैस है, ये रुधिर में ऑक्सीजन भाग की क्षमता घटाती है। क्या कारण होता है प्रदूषण से? वायु प्रदूषण अगर ज़्यादा होगा तो हमारे शरीर में जो रुधिर का वाहन होता है, खून का जो वाहन होता है चलता रहता है, वो उसका कम करती है प्रेशर। क्या आप जानते हैं यदि दिल्ली की पंजीकृत वाहनों की एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें तो यह संसार की दो सर्वाधिक लंबी नदियां नील और अमेजन के संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर हो। अगर अकेली दिल्ली की बात करें, बिल्कुल सही कह रहा है कि देश में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, संसार में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसकी बात करें, उसमें जो पंजीकृत वाहन है उसको अगर लाइन में एक के आगे अगर लंबी कतार लगाएं इस प्रकार सभी वाहनों की, तो क्या होगा? विश्व की दो बड़ी नदी नील और अमेजन का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी नदियां हैं दोनों, इसकी लंबाई के बराबर अकेली दिल्ली के वाहनों की अगर कतार लगाएं तो इसकी दोनों नदियों के लंबाई के बराबर जाती है। तो देख लो, हम यह सोचना ये हम सोच सकते हैं अकेली दिल्ली में अगर इतने वाहन हैं तो कितना ज़्यादा प्रदूषण होगा। दो बहुत लंबी नदियां इनके बराबर इनकी कतार चली जाएगी, प्रदूषण बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। प्रदूषण में दमा वगैरह, खांसी वगैरह इनको बढ़ाते हैं, फेफड़ों पर सीधा अटैक करता है, बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती है। और एक चीज़ आपने नोट की होगी, इन लगभग जो लॉकडाउन है चल रहा है, लगभग 50 दिन के करीब हो चुके हैं,
प्रदूषण का स्तर बहुत नीचे आ गया है। ये भी लॉकडाउन से, ये तो पूरे वर्ल्ड को फायदा हुआ है, प्रदूषण में काफी कमी आई है। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC का नाम आपने सुना होगा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज, एयर कंडीशन AC, एरोसोल फुहार का मतलब है जो प्राकृतिक रूप में बारिश किया कराई जाती है ना, उसमें CFC के द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब बात करते हैं ओजोन परत की, इसमें जो मेन टॉपिक है ओजोन परत, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव। ओजोन परत की बात करते हैं, CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। मैंने ओजोन परत का जो क्षतिग्रस्त होने का कारण कौन सी गैस है, CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये इसका कारण है। क्या आपने याद कीजिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक प्रावैग्नि किरणों से हमें बचाती है। जो सूर्य और हमारे धरती के बीच में बहुत सारी परतें हैं वायुमंडल की अलग अलग है, उसमें से ओजोन भी है। जो ओजोन परत है वो क्या काम करती है, जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती है उनसे हमें बचाती है। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना होगा, इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। CFC के स्थान पर अब हम कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग करने लगे हैं। कारण क्या है, जो CFC का यूज करते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन का, वो जो ओजोन परत है उसके वायुमंडल की, ओजोन परत धरती बीच में वायुमंडल होता है, वायुमंडल के अंदर ओजोन परत होती है। जो ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती है उनसे हमें बचाती है। जो हमारे पर्यावरण में CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन की मात्रा बढ़ रही है वो क्या नुकसान करती है, इस ओजोन परत में छेद करती है। अगर इस ओजोन परत में छेद हो जाता है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, तो वो ज़मीन पर आने लगेगी और उससे बहुत सारे रोग फैल जाएंगे। और इसका जो हमारे ताजमहल वगैरह है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है प्रदूषण का। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत का आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर के बदरंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव पदार्थ ही प्रभावित नहीं होते, इससे भवन स्मारक प्रतिमाएं जैसे निर्जीव पदार्थ पर भी असर पड़ता है। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन एवं विशेषकर मदुरा तेल प्रसंस्करण जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करके इसके लिए उत्तरदायी है। ये कैसे वायुमंडल में उच्च जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अमल तथा नाइट्रिक अमल बनाती है। ये वर्षा अम्लीय वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण
स्मारक के संगमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल प्रसिकरीकरण से उत्सर्जित काजल कण जैसे निम्नलिखित कणों का संगमर का पीला करने योग में योगदान है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में बहुत से उपाय किए हैं। अब बात करते हैं अम्ल वर्षा की। जो हमारे वायुमंडल में क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जो गैसें हैं वो चली जाती है, और जब बारिश होती है तो उसमें मिलकर वो क्या बनाती है, उससे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बना देती है, जिससे हमारी वर्षा क्या हो जाती है, अम्लीय अम्लीय वर्षा हो जाती है। वो अम्लीय वर्षा जहाँ भी गिरती है, वहाँ पेड़ पौधों पर गिरे या फसल पर गिरे वहाँ नुकसान पहुँचाती है, या कोई इमारत पर पड़े कहीं भी गिरे वो नुकसान पहुँचाएगी अपना। ये हमारी अम्लीय वर्षा है। और इसके अंदर CNG और LPG भी आता है, उसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। CNG की फुल फॉर्म है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस LPG की द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये इन दोनों की फुल फॉर्म, CNG की फुल फॉर्म संपीड़ित प्राकृतिक गैस, LPG की द्रवित पेट्रोलियम गैस। GK का भी क्वेश्चन है, ध्यान देना है। अब बात करते हैं पौधागार प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं पौधागार प्रभाव। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें कुछ भाग पृथ्वी पर अवशोषित कर लेती है, कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। यह रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को गर्म करता है। यदि आपने किसी पौधागार, नर्सरी अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधागार को देखा है, याद कीजिए सूर्य की उष्मा पौधागार में प्रवेश कर जाती है, इसे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई उष्मा पौधागार को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करती है। यही कारण है कि उसे पौधागार प्रभाव कहते हैं। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। यह प्रक्रम इस प्रभाव के लिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता उत्तरदायित्व है। अब बात करते हैं पौधागार प्रभाव, इसमें क्या होता है। ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य है, ये हमारा वायुमंडल है, इसी प्रकार जो मॉडल आता है पौधागार प्रभाव का वो भी एक तरफ बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक घर बनाया जाता है, उसमें पौधे लगाए जाते हैं जो प्लास्टिक का, उसके ऊपर शेड लगाया जाता है, बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। ये कारण क्या होता है, ये सर्दी के मौसम में
जो एक कई फसलें ऐसी होती है, कई सब्जियां वगैरह पौधे वगैरह ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सर्दी को सहन नहीं कर पाते, इसके लिए ये शेड लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो सूर्य की जो प्रकाश आएगा वो इसके ऊपर पड़ेगा और वो अवशोषित करके यहीं रख लेगा उस सूर्य की गर्मी को, इसको गर्म कर देगा, ये उस गर्मी को बाहर नहीं निकलने देगा। तो जो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है उसमें भी टेम्परेचर सामान्य बनाए रखता है, इसलिए वो फसलें पनप जाती है। ये क्या है, पौधागार। और पौधागार प्रभाव क्या होता है, पौधागार प्रभाव की बात करें तो ये ऑटोमेटिक बनता है हमारी पृथ्वी पर। पृथ्वी है, सूर्य का प्रकाश है, वायुमंडल, जब सूर्य के प्रकाश से जो सूर्य की जो किरणें हमारी पृथ्वी तक आती है, वायुमंडल में गुजरने के बाद पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। जो सूर्य की किरणें आ रही है वो पृथ्वी की सतह को क्या कर देगी, गर्म, वायुमंडल से गुजरेगी। इससे क्या होता है, कुछ भाग तो ये अवशोषित कर लेगी धरती, क्या कर लेगी, अवशोषित, और कुछ भाग उसका वापिस चला जाता है। जो अवशोषित किया हुआ भाग है वो क्या है, पृथ्वी को गर्म रखता है। वो किसका काम करता है, पौधागार प्रभाव का काम करता है, वो इसी तरह काम करता है। इसी कारण जो ज़्यादा गर्मी, हमारी जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य बना रहता है, हमें ज़्यादा सर्दी से बचाता है। कई फसलें होती है जो सर्दी को सहन नहीं कर पाती, उनको बचाता है। ये हमारा क्या है, पौधागार प्रभाव। अब बात करते हैं विश्व उष्ण या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आपने सुना ही होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल ज्यादा चर्चा में बना रहता है। विश्व उष्ण, या ग्लोबल वार्मिंग, इंग्लिश में इसे ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। जो पौधागार प्रभाव है, इनसे क्या है, जो गर्मी होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक क्या है, एक जहरीली गैस है, इसकी मात्रा बढ़ती है। अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो जो धरती का टेम्परेचर है, अगर ज़्यादा प्रदूषण होगा तो धरती का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। जो धरती का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मान लो 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो ये क्या है, एक साल का औसतन जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है। इससे क्या है, हर साल, हर एक साल जो गर्मी है वो बढ़ती जाती है। इसे क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर ज़्यादा प्रदूषण होगा तो गर्मी बढ़ेगी, उस बढ़ी हुई औसतन तापमान को ही ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है, काफ़ी खतरनाक होता है। अब बात की जाए कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जाए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय, क्या उपाय किया जाए कि हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। सबसे बढ़िया उपाय तो जो सबसे बढ़िया उपाय तो जो लॉकडाउन चल रहा है, इससे एक फायदा तो बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, प्रदूषण का जो स्तर है बिल्कुल गिर रहा है। लेकिन हम ये देश में, विश्व में कर नहीं सकते, इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इससे बहुत बड़ी दिक्कत आती है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई सफलता की अनेक कथाएं हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वर्ष पहले दिल्ली संसार की सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। यहाँ पेट्रोल और डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण दम घोटू श्वास रोधी वातावरण था। वाहनों के शीशा रहित पेट्रोल, CNG जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इन उपायों द्वारा शहर में वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गई। आप भी कुछ ऐसे उदाहरण जानते होंगे जिससे आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, इन उदाहरणों को अपने मित्र से चर्चा कीजिए। क्या है, एक तो जो इससे जो हमारा जो पेट्रोल होता है, एक आता है शीशा रहित पेट्रोल, उसका यूज होना चाहिए।
सीसा रहित मेट्रोल का यूज करना चाहिए और सीएनजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। सीएनजी क्या है, प्रदूषित प्रदूषण नहीं फैलाती, और कम से कम जो पर्सनल वाहन है उनका उपयोग करना चाहिए। इसका कारण क्या है, जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखें, अगर सभी लोग पर्सनल वाहन लेके जाएंगे, जैसे 50 लोग हैं, अगर अपना अपना पर्सनल वाहन लेके जाएंगे तो 50 गाड़ियां जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रदूषण करेगी। अगर वही लोग एक बस में यात्रा करते हैं तो सिर्फ एक बस में यात्रा कर सकते हैं, ये जो प्रदूषण है वो बिल्कुल कम होगा, तेल की खपत भी बचेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों में क्या होता है, पेड़ पौधे जो है जो CO2 है उसको ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपने सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इससे हमारा क्या फायदा हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा। पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, हमें ऑक्सीजन देंगे, इसकी बहुत ही जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। और बहुत से हम उपाय कर सकते हैं, और वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा का प्रदूषण कम होता है, जल ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।